क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइमली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वीवर चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है अंडे आलू। और अंडे आलू किस तरह बनेंगे, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाह रहमान। ये मैंने दो प्याज काट लिए, घी डाल दिया इसमें, ये मैं रख देती हूँ ऊपर, ठीक है। हल्के से इसे रोस्ट करके ना फिर आलू डाल दूँगी, ये दोनों टमाटर डाल दूँगी, ये चार अंडे हैं, फिर मसाले वो नमक मिर्च वो मैं आपको बता दूंगी। तो प्याज आपने क्या ब्राउन करने हैं, लाइट नहीं नहीं हल्के से, हल्के से लाइट करने, हल्का सा लाइट कलर देना है। उसके बाद फिर देखते हैं फर्दर किस तरह इस रेसिपी को बनाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें ऐड की जाएंगी, स्पाइसी जो से ऐड द टाइम ही आप बता देंगे अपने देखने वालों को। हाँ जी, नमक मिर्च जीरा तो बस यो हल्दी, यही घर की जो चीज़ें हैं। ये मैंने आलू भी डाल दिए, साथ ही आलू भी भुने जाएंगे, प्याज भी टमाटर भी हो जाएंगे साथ। इस तरह तो बहुत जल्दी जो सी रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही पसंद करते हैं आलू अंडे। हाँ जी, हमें बहुत पसंद है और माशाल्लाह हमारी मम्मा जो से बहुत अच्छे अंडे आलू बनाते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं, मतलब आलू तो सबको पसंद है बच्चों को भी, और फिर अंडे के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए आज हम ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ अंडे आलू की। और टमाटर भी डाल दिए हैं, प्याज भी डाल दिए हैं, और जो आलू हैं वो भी मम्मा ने इसके अंदर डाल दिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट भूनते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट भूनते हैं, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। एक चम्मच नमक का, एक चम्मच मिर्च का, सोलह चम्मच का। अच्छा जी, अब मैं जीरा भी डालती हूँ इसमें, ये हिला। तो आप देख सकते हैं कि प्याज भी साथ ही साथ हो रहे हैं और आलू भी हो रहे हैं, तो थोड़े से ऐसे टाइम की बचत हो जाएगी, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी और लास्ट में होते हैं हम अंडे डाल देंगे। अच्छा जी, अब मैं जीरा डालती हूँ। अगर आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें, ज़्यादा चम्मच जीरे। इसके बाद बस नहीं, अब 5 मिनट भूनूंगी ना, फिर अंडे डाल के थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी, 5 मिनट में भूनती फिर दिखाती हूँ अंडे को। अंडे भी मम्मा ने शामिल करती हैं इसके अंदर, अब हमने इसे ना मिक्स कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छी आने शुरू हो गई है और बहुत ही मज़ेदार से जो से अंडे आलू हमारे तैयार होने वाले हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हम अपनी फीडबैक दें। इन्हें ना 5 मिनट में भूनेंगे, क्योंकि इसमें अंडे में स्मेल होती है ना, तो इसलिए फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना आलू गलिए में तो आलू डाल देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो 5 मिनट इसको भूनने के बाद आपको जो हमारे नए बहन भाई हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमारी वीडियो पूरी देखा करें, हमारा हौसला अफजाई होता है, इसलिए हम शुक्रिया उनका अदा करते हैं जो हमारी रोज़ाना वीडियो देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, ये मम्मा का पैगाम है अपने बहन भाइयों के लिए जो वीडियो हमारी रोज़ देखते हैं, डेली बेसिस पे हमें सपोर्ट करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के, इसी तरह अपनी अपनी सपोर्ट और अपना उनका प्यार हमारे साथ बनाए रखें। आप लोग देख सकते हैं कि जौन से आलू हैं वो पक रहे हैं और अंडे भी हमने शामिल किए हुए हैं, थोड़ी देर इसको मजीद पकाते हैं और अभी पानी भी है इसके अंदर, आलू भी थोड़ी सी कसर है अभी नहीं गले, तो आलू भी गल जाएंगे, पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो फिर इसको फाइनल करने के बाद आपके साथ
यूज नहीं हुआ ना। घी भी है बेटा, पानी नहीं है, सारा घी भी है और पानी भी है और ग्रेवी सी भी मतलब रखनी है। तो अभी मामा ने लास्ट पे इसके अंदर गरम मसाला हमारे घर ऐसे ही बनते हैं, बहुत मजे के बनते हैं, बच्चे शौक से खाते हैं, आप भी बनाए इंशाल्लाह बहुत मजे के बनेंगे। अब अच्छी तरह मैं ऐसे भूनती हूँ, घी भी आ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो सी है वो बिल्कुल फाइनल हो गई है। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आ गया, ज़बरदस्त सा बबल्स भी बन रही हैं और जो सा घी भी सतह पर आ गया। तो उसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी हो गई है फाइनल, कर लिया है इसको डिश आउट। तो आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना मज़ेदार, कितना यमी सा लग रहा है। जो सा घी भी वो भी आ गया और आलू जो से वो भी गल गए हैं। हमें बहुत पसंद है आलू अंडे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएंगे। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और इसके साथ साथ अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी भी तनाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप सब हमें से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको टाइमली जो है नई 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 रेसिपीज़ और ब्लॉग के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा।